हेलो एवरीवन, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन मॉम रिव्यू में। तो आज मैं आपके सामने बच्चों के टॉयज का अनबॉक्सिंग करूंगी और उसका रिव्यू भी दूंगी। तो ये जो टॉयज है ये मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर करा था। जब मेरा बेबी थोड़ा छोटा था तब मैंने ये ऑर्डर करा था, पर इसका रिव्यू मैं अभी दे रही हूँ। क्योंकि बच्चों को जो समय पे थोड़ा सा टॉयज की वराइटीज देते रहना चाहिए, उससे क्या होता है कि बच्चे जो है उनका बहुत डेवलपमेंट होता है। तो ये मैंने वेजिटेबल्स का एक पजल मंगाया था, उसके अलावा ये माउथ ऑर्गेन था, और तीसरा था ये जो शेप एंड साइजेस जो होते हैं उसका ये मैचेट करने का एक पजल टाइप था। तो ये तीन मैंने मंगाया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये माउथ ऑर्गेन रिव्यू दूंगी। ये जो माउथ ऑर्गेन है वो रत्नास नैनो माउथ ऑर्गेन है, रत्नास ब्रांड का है। रत्नास के जो प्रोडक्ट होते हैं टॉयज के वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होते हैं और उसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। कलर्स इसके बहुत सारे आते हैं, जैसे कि पिंक, ऑरेंज, रेड, ब्लू, इस तरह से इसके अलग अलग कलर्स आते हैं। तो मैंने ब्लू ऑर्डर करा था। तो चलिए इसे हम खोल लेते हैं। इसकी जो प्लास्टिक मटेरियल है वो काफ़ी ड्यूरेबल है, लाइट वेट डिज़ाइन है। तो ये देखिए इसके कॉर्नर्स काफ़ी एकदम बिल्कुल स्मूथ है, कहीं से कहीं बच्चे को चोट लगने वाला नहीं है, बिल्कुल अच्छे से बनाया गया है। इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी और काफ़ी मजबूत है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पतला सा है कि हल्का सा मोड़ो तो वो टूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिससे कि बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है, जैसे कि म्यूज़िक जानने को मिलता है, और साथ में इसमें ब्लो करना जो होता है उससे बच्चे का जो स्पीच वगैरह है वो बहुत अच्छे से आ जाता है। और इस माउथ ऑर्गन से एक बहुत ही प्यारा और क्लियर म्यूजिक आवाज आता है जिससे बच्चे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो देखने लगते हैं। छोटे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है, 3+ ईयर्स के लिए है ये। और डायमेंशन की बात करें तो 18x11 सेंटीमीटर है ये, आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी इसका। तो नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे मैचेट जूनियर, जो कि एक टाइप का मैच शेप पजल है जिसमें कि एक सैंड क्लॉक भी दिया गया है। एज की बात करें तो वो 3+ ईयर्स के लिए है। तो ये जो मैचेट जूनियर पजल है ये रत्नास ब्रांड का है, ये प्री नर्सरी एजुकेशनल टॉय है। इसमें क्या कि आपको बेसिकली मैच करना है शेप्स को, जिसमें कि एक सैंड क्लॉक दिया गया होगा, तो बच्चे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो काफी उन्होंने जानकारी भी मिल सकती है कि हाँ क्या शेप को क्या बोलते हैं, जिससे कि कॉन्सेंट्रेशन, पावर, थिंकिंग, इसके लिए सब सारे उनका डेवलप होता है। एमआरपी प्राइस की बात करूं तो वो 229, और इसमें बताया गया कि किस तरह से ये 16 ज्योमेट्रिक शेप्स है जो कि आपको एक करेक्ट कैविटीज में उसे लगाना होता है। इस तरह से आप मिक्स एंड मैच करके आप खेल सकते हो। साथ में सैंड टाइमर है, और इसमें जो है वो है 16 पीस मैच्ड विद इन टाइम लिमिट में आप जीनियस हो गए, 13-15 पीस मैच करते हो तो ब्रिलियंट, इस तरह से ये सारा एक ग्रेड दिया गया है। तो चलिए इसे भी हम जल्द झटपट खोल लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से प्लास्टिक में रैप्ड है। क्वालिटी और कलर की बात करूँ तो बहुत ही ब्राइट एंड वाइब्रेंट है, बच्चों को ये बहुत ही अट्रैक्ट करता है ये सब कलर। ये टाइमर है, सैंड टाइमर है ये, जिससे कि आपको बेसिकली 1 मिनट का ये टाइमर दिया जाता है। ये जो पजल गेम है ये बेसिकली आपके लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, साथ ही साथ आपकी रिमेम्बरिंग, मैचिंग, शॉटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी डेवलप करता है। बच्चों के हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड फाइन मोटर स्किल को भी ये काफ़ी हेल्प करता है बिल्ड करने में। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, क्वालिटी की बात करूँ तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, और ये जो शेप्स है ये आपको सबको देख के इसे लगाना होता है। आप पहले बच्चों के सामने करके दिखाओ, उसके बाद बच्चे अपने खुद ही वो करने लग जाएंगे। और ये बच्चे जो है काफ़ी इंटरेस्ट लेके खेलते हैं, जैसे मेरा बेटा अभी खेल रहा होता है तो बहुत इंटरेस्ट लेके खेलता है, वो टाइमर सेट करके खेलता है, उसे बहुत ही मज़ा आता है। बोर्ड की क्वालिटी भी बहुत ही स्ट्रांग है, हार्ड है, बिल्कुल भी पतला नहीं है। तो ये देखिए ये डायमंड शेप है, तो आपको इस तरह से डायमंड शेप में लगाना होगा। उसी तरह सारे अलग अलग शेप है, स्टार है, सेमी सर्कल है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सारे शेप्स बने हुए, इस तरह से आपको फिट करके इस तरह लगाना है। दोनों की क्वालिटी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही मजबूत है। तो ये जो वन मैच पजल गेम किट है जिसमें आपको कैविटीज बने हुए होंगे उसमें आपको अलग अलग इस तरह से लगाना है। तो ये एक पजलिंग गेम का भी काम करेगा, और साथ में ये आपको एक एजुकेशनल गेम का भी काम करता है, जिसमें आपको सब शेप्स जो है छोटी एज में ही समझ में आने लग जाते हैं। तो ये सैंड टाइमर भी, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये इसमें छोटे से बॉक्स दिया गया जिसमें कि आप इसमें डाल के भी अच्छे से रख सकते हो, स्टोरेज के लिए दिया गया है छोटा सा। चलिए अब हम आते हैं अपने तीसरे टॉय पे, जो कि एक वेजिटेबल बोर्ड गेम पजल गेम है। तो फ्रेंड्स ये ओमोचा ब्रांड का वेजिटेबल पजल गेम है, जिसमें कि बच्चों का थिंकिंग पावर, मेमोरी, रिमेम्बरिंग पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, और वो पहचानने भी लगते हैं कि किस वेजिटेबल्स को क्या बोलते हैं। प्राइस की बात करूँ तो वो है 199 रुपीज की है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। बोर्ड की बात करूँ तो बोर्ड तो काफी मजबूत लग रहा है मुझे। तो चलिए अब हम इसे भी जल्दी से पन्नी को हटा लेते हैं। इस तरह के जो टॉयज होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, कम एज में उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से टच करके, फील करके, देख करके पहचानने लगते हैं बच्चे। आप देख पा रहे हो काफ़ी वाइब्रेंट कलर, ऊपर से एक और प्लास्टिक का शीट लगा हो जिससे कि जो वेजिटेबल्स के जो पेग्स हैं वो इधर उधर ना हो। तो चलिए इस प्लास्टिक को भी निकाल लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरह से बिल्कुल वाइब्रेंट और ब्राइट कलर है, मुझे तो देखकर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप पहले तो इंट्रोड्यूस कीजिए सबके नाम, सबके कलर्स इंट्रोड्यूस कीजिए, फिर धीरे धीरे वो आप डेली प्रैक्टिस में लाइए, तो उससे बच्चे ना पहचानने लग जाते हैं कि किस वेजिटेबल को क्या बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल जो है 10 वेजिटेबल्स है। इसकी क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी अच्छी है, तो ये इस तरह से पेग्स को उठा के आप ऐसे लगा सकते हो। पीज है, कैरेट है, सारे अच्छे से इसके शेप्स में कटिंग किए गए हैं जिससे कि ये आराम से इसमें आ जाता है। तीसरा है ये टर्निप, जिसे हम सलजम भी बोलते हैं। ये आपके शेप्स बने हुए रहेंगे, बच्चे को आपको बस बताना है कि ये इस तरह से इसमें लगाना है, तो पहले वो शेप जानेंगे, फिर धीरे धीरे आप बोल के भी सिखा सकते हो कि चलो ये है टर्निप, इस तरह से आप उठाओगे, दिखाओगे, टच करोगे, तो बच्चे टच और फील से ना बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। ये पम्पकिन का ये पजल्स है, जो कि कॉर्नर्स जो है बहुत अच्छे बने हुए हैं, ज़्यादा नुकीले नहीं हैं। ये जो इस तरह का गेम जो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पूरा ये वुडन का है। बोर्ड की बात करूँ तो काफ़ी थिक बोर्ड है इसकी। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स परचेस करना तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से भी चेकआउट करके अपने बच्चों के लिए परचेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।